बैक टू माई चैनल लवली दिल्ली कपल। कैसे हो आप सब? मैं भी वो ठीक हूँ, बहुत अच्छी नहीं हूँ पर ठीक हूँ। और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के पास कोई ना कोई ब्लॉग पहुँचता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। और आप लोग देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं करवा चौथ पे क्या पहनूं। लहंगा मैंने आपको दिखाया था, ब्लाउज़ वगैरह जो मैंने था वो सब आपको दिखा दिए, ज्वेलरी आपको दिखा दी है। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि मेरे पास एक पिंक साड़ी है, वो भी आप देखना फिर बताना कि मैं वो पहनूँ या लहंगा पहनूँ। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आप लहंगा पहनना लहंगा पहनना, तो मेरा भी मन है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ वो साड़ी भी, क्योंकि वो साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और ग्रीन ज्वेलरी के साथ, ओपन पल्ले के साथ बहुत सुंदर लगेगी। पर देखते हैं क्या पहनते हैं। आप लोगों का जैसा कमेंट रहेगा मैं उस हिसाब से पहनूंगी और वही वेयर करूंगी जिस पे ज़्यादा कमेंट रहेंगे। अगर ज़्यादा लोगों ने लहंगा बोला तो लहंगा पहनूंगी, ज़्यादा लोगों ने बोला कि साड़ी पहनो तो मैं साड़ी पहनूंगी। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ वो साड़ी कैसी है, और अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग उसके बारे में भी कमेंट करना कि आप ये पहनो तो मैं वही पहनूंगी, क्योंकि ज्वेलरी चूड़ी सब वही जाएगी, रेड ही जाएगी उस पर। और बस साड़ी चेंज करना है या लहंगा पहनना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो साड़ी कैसी है। गाइस यहाँ पे मैंने पूरा बेड अभी खोला था और मैंने साड़ी वगैरह सब निकाल ली आप लोगों को दिखाने के लिए। मेन पर्पस वही था कि मैं आपको दिखाऊं, तो दिखाती हूँ पूरा। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी साड़ियाँ निकाल रखी हैं, काफ़ी सारी मेरे पास रेड कलर की साड़ियाँ भी हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अगर उसमें से कुछ अच्छा लगे तो वो भी बताना। वैसे तो मैं पहन चुकी हूँ ये सब, तो इसलिए ये सब नहीं, सिर्फ पिंक मैं दिखाऊंगी, वो आप बताना। तो गाइस मैंने जो साड़ियाँ निकाली हैं, जिस पिंक साड़ी की मैं बात कर रही थी, मैं वो आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने इसको एक बार पहना था, मेरे भाई की मॉर्निंग में मैंने पहना था, पर मैंने इसको जस्ट निकाल दिया था, कुछ सेकंड के लिए मैंने ये पहना था, उसके बाद मैंने इसे निकाल दिया था। और ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगती है, ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दी थी और ये कुछ ऐसी है। ये देखो इसमें छोटे छोटे वर्क हैं, स्टोन्स हैं छोटे छोटे, और ये छोटे छोटे टेसल्स लगे हैं इस पर, जब पहनते हैं तो बहुत सुंदर लगती है ये, और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इस कलर की। ये ना दो शेड में है, हल्का सा पर्पल आता है इसमें, और ये देखिए मैं बैक करके आपको दिखाती हूँ। सी है ये साड़ी, कुछ इसमें छोटे छोटे वर्क हैं और काफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी। हाँ इसको पहनने में काफ़ी दिक्कत होती है, मैंने इसको कुछ ही देर के लिए पहना था और मैंने फिर इसको निकाल दिया था, तो ये थी पे। इसका ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा मैंने बनवा रखा है, दिखाती हूँ, शायद कहीं अलग से होगा तो नहीं दिखा पाऊँगी, इसमें होगा तो मैं दिखा दूँगी आपको। हाँ तो ब्लाउज़ इसी में है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये साड़ी थी और इसका ब्लाउज़ काफ़ी अच्छा है, मैंने बनवाया था, जैसा बनवाया था सेम वैसा नहीं बन पाया था, पर बन गया था काफ़ी अच्छा। ये बैक है और ये इसका फ्रंट है, इसकी बाजू, ये इसकी बाजू थी, काफ़ी ऐसे फ्लावर्स रहते हैं और ये ऐसे रहेगा ब्लाउज कुछ। ये जो है ना बहुत अच्छा लगता है इसका, ऐसे गले में वेयर करना होता है और काफ़ी सुंदर मैंने इसको सिलाया था। तो ये साड़ी थी, तो आप लोग बताना ये पहनने के मतलब पर्पस से सही रहेगी, करवा चौथ के पर्पस से ठीक रहेगी कि नहीं, वो आप बताना मुझे। और गाइस एक रेड ये रही, ये भी आपने देखा होगा पिछली बार मैंने तीज पे पहनी थी, ये इन्होंने मुझे गिफ्ट दी थी, फर्स्ट टाइम इन्होंने दिलाई थी। ये नेट में है पूरी और बहुत सुंदर लगती है ये साड़ी भी मुझे, और रेड कलर है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने उल्टा करके रखा हुआ है, ये फ्रंट से कुछ ऐसी है, ऐसे पे है कुछ, काफ़ी अच्छी लगती है। ये भी बैग से दिखाती हूँ, ये भी गाइस बैग से ऐसी है, इस ये अलग है, ये अब चल रही है, ये थोड़ा पहले की है, 4 साल पुरानी हो गई, पर आज भी ये इतनी सुंदर लगती है मुझे, काफ़ी सुंदर लगती है ये। और इस पे ग्रीन कलर का ब्लाउज़ मैंने बना था, बहुत सुंदर लग रही थी। और एक ये साड़ी भी है जो इसमें आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, रील्स वगैरह, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, ये शादी में मैंने अपने लिया था। और एक ये रेड कलर है, ये रेड कलर मेरी विदाई के टाइम पे मैंने पहना था और पिछले करवा चौथ पे भी मैंने यही पहना था, दिखाती हूँ आपको। तो गाइज ये वाली साड़ी आपने पिछले करवा चौथ पे देखा होगा व्लॉग, तो उसमें मैंने पहना था ये साड़ी, ये भी काफ़ी सुंदर लगती है साड़ी, खोल के दिखा देती हूँ आपको, कुछ ऐसी है ये,
इस तरीके की थी, बहुत ही, ये भी काफ़ी प्यारी लगती थी, ऐसी है ये, मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी ये साड़ी भी, काफ़ी अच्छी है। और रेड तो मेरे पास बहुत सारे भरे पड़े हैं, और मैक्सिमम ऐसे हो गया था कि मैं जितने भी साड़ियाँ लेती थी सब पे रेड रेड ब्लाउज मिलते थे, तो इससे थोड़ा मैं चिढ़ गई थी कि मैं नहीं रेड साड़ी मैं लूँगी ही नहीं, कोई भी कलर लो तो उस पर रेड मिल जाता था, तो इसलिए मेरा मन नहीं करता था। तो गाइज ये साड़ियाँ आपने देखी ली, और एक और साड़ी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये साड़ी भी है ग्रीन, इसमें भी आपने देखा होगा, तो ये मैं सोच रही हूँ दिवाली पे पहनूंगी, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ एक बार पहना है और मेरा इसे फिर से पहनने का मन है, तो मैं सोच रही हूँ इस बार दिवाली पे मैं ये वाली पहनूंगी। और बाकी ये साड़ी भी आपने देखी होगी, ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, 4 साल हो गए इस साड़ी को, पर फिर भी आज भी ये मतलब इतनी अच्छी लगती है कि बिल्कुल भी ओल्ड फैशन नहीं हुई है ये। मम्मी मम्मी हाँ बेटा। और ये इतनी अच्छी लगती थी कि क्या बताऊँ, ये 2 शेड में थी, कुछ इस तरीके की थी, ये इतनी अच्छी लगती थी, ये आज भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने सोचा कि अब मैं इसको पहनूंगी तो कुछ इस कलर के ब्लाउज के साथ वेयर करूंगी। ये भी साड़ी मैंने सिर्फ एक बार पहनी है, नहीं ये साड़ी मैंने 2 बार पहन चुकी हूँ मैं, क्योंकि साड़ियाँ पहनने का ये तीज त्यौहार पर पहनती हूँ, बाकी सब हमारे यहाँ पे ये सब सूट वगैरह पहनते हैं तो हम सूट पहनते हैं, बाकी ये हो गया। तो इसका ब्लाउज ना इससे थोड़ा मिसमैच था, लेकिन फिर भी अच्छा लगता था, इसका ब्लाउज भी काफ़ी गोल गले का था, पीछे से काफ़ी अच्छा लगता था, फ्रंट है और ये काफ़ी सिंपल में मैंने सिलवाया था, पर अच्छा लगता था ये काफ़ी इस तरीके। तो ये तामझाम मैं रखती हूँ अंदर फिर से, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये ओपन किया था, तो आप लोग कमेंट बिल्कुल करके मुझे बताना, अगर आप लोगों ने कमेंट में नहीं बताया तो मैं आज के बाद वीडियो कोई और नहीं बनाऊँगी, तो अगर आप लोग बताएँगे तभी आगे से मैं अपनी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये सब अंदर से निकाला है और आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये सब खोल खाल के कि आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप लोग बताना कि मैं कब कौन सी साड़ी पहनूँ, क्योंकि काफ़ी हैवी साड़ी है ना ये, डेली वेयर में आती भी नहीं है, और ये सिर्फ तीज त्यौहार जब आते हैं तभी उसमें पहनी जाती हैं। तो ऐसी ऐसी अभी कितनी साड़ियाँ हैं जिससे मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है, वैसी की वैसी हैं, तो और नई लेने के लिए अभी सोचती भी नहीं हूँ। अब बहन की शादी वगैरह तो मैं साड़ियाँ वगैरह नहीं लूँगी, सिर्फ एक कोई ड्रेस लूँगी जो शादी में पहनूँगी, बाकी देखते हैं क्या क्या करते हैं। और करवा चौथ नज़दीक आ गया है पर मेरी कोई तैयारी नहीं है, बस मैंने कपड़े डिसाइड कर लिए हैं, बाकी अभी मुझे सामान जो लेना है वो मैं भूल भी गई हूँ सही बताऊँ, क्योंकि मुझे ना एक बार मैंने रखा था तो मुझे ठीक से याद नहीं है कि उसमें क्या क्या सामान लगता है, और मेरे मायके में होता नहीं है, तो ऐसा होता है ना जब मायके में भी वो चीज़ होती है और अपने ससुराल में भी होती है तो हमारे माइंड में भी रहती है कि हाँ ये ऐसे होता है, इसमें ये चीज़ें लगती हैं, पर करवा चौथ हमारे मायके में नहीं होता तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, और फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ रखा तो जैसे किया था वो मैं भूल चुकी हूँ सही बताऊँ, तो अभी कल परसों घर पे फ़ोन करके पूछूंगी कि क्या क्या सामान लगेगा, थोड़ा बहुत मुझे याद है पर छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम भूल जाते हैं, तो मैं उसको पूछूंगी कि कैसे क्या लगेगा और कैसे पूजा करनी है वो तो पता है, पर क्या सामान लगेगा वो सब मैं पूछूंगी, और कल ही शायद मैं जाऊँ अपनी करवा चौथ की शॉपिंग करने की, जो जो चढ़ाने के लिए लगेगा वो सब मैं लेके आऊँगी। फ़िलहाल अभी मैं जाने वाली थी आज, पर मेरे हस्बैंड जो है उन बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं क्योंकि ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा वर्क है, अभी भी टाइम हो चुका है पर वो आए नहीं है, काफ़ी लेट आते हैं आजकल, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तब तक आप लोगों से ही बातें कर लूँ, क्योंकि घर में ना अकेले बोर हो रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था इसलिए मैंने दिखाया अभी आप। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं 11 और अभी तक ये आए नहीं है, और मैंने खाना वाना बना के रख दिया है पर अभी तक ये आए नहीं है, तो मैं भी अभी तक खाई नहीं हूँ,
क्योंकि मेरी आदत है कि ये आते हैं खा लेते हैं फिर मैं खाती हूँ। तो अभी तो मैं इनका वेट करती हूँ और इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। बेटा बाय बाय।